तो राधे कृष्णा दोस्तों, तो कैसे सभी, आई होप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो ये हमारी है दूसरी सुबह मामा के घर पे और हम सुबह सुबह बना रहे हैं पुलाव, आप देख सकते हैं। और बिदांची हो रही थी, दीदी आप बनाओ, आप बहुत अच्छा पुलाव बनाते हैं, तो हम आज पुलाव ही बना रहे हैं, तो टेस्टी टेस्टी से, और आपको भी दिखाते हैं। तब तक हम थोड़ी देर बाहर घूम लेते हैं क्योंकि अभी बनने में टाइम लगेगा। कुकर हमने चढ़ा दिया है और रेसिपी, सॉरी मैं आपको सभी को नहीं बता सकी क्योंकि मुझे ये एक चीज़ अच्छी आती है बनाने, और आप सभी लोगों को भी बनाने आ गई फिर मतलब ये नहीं होता, आसान है वैसे, बट मुझे सारे बोलते कि आप बड़ा अच्छा बनाते हो, तो फिर आपको पता कि आपकी तनुजा अच्छा बनाती है, तो फिर आप सभी लोगों को बनाने आ गया, तो फिर सेम सेम हो जाएगा ना। तो हम रेसिपी नहीं बताएंगे, उसको हमने कैंसिल कर दिया सॉरी, बट फिर कभी बताऊंगी अगर मेरी शादी शुद्धि होगी उसके बाद, फिर मैंने अपने ससुराल वालों को क्या खिलाऊंगी, है ना मैडम जी। ये तो फिर पंगा पड़ जाएगा कि तनुजा को बनाने आते, तो फिर और किसी को भी बनाने आ जाए तो फिर वो तो मेरे नंबर ले जाएगी ना, तो मुझे बनाने आनी चाहिए सिर्फ इस टाइम। इस तरीके की है हमारी राइस की शक्ल, और अभी हम इसको कुकर में चढ़ा देते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। हमारे बन चुके हैं पुलाव और अभी हम देखते कि कैसे बने हैं, ऐसे तो नहीं पता लगेगा बट आप देखने से तो पता लग ही जाता है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, मुझे ना सीटी से बड़ा डर लगता है, अभी ऐसे खुलेगा नहीं, एक हाथ से एक हाथ से नहीं खुलेगा। तो बिदांची को मैं पकड़ाने वाली हूँ कैमरा। तो गाइस देखते हैं हमारे पुलाव कैसे बने हैं। वाओ बिदांची दिखाना सभी को जरा, बड़े अच्छे लग रहे हैं हमारे पुलाव, और ये बनाए हैं तनुजा शर्मा ने बनाया, और इस पे हम अभी डालेंगे हरा धनिया डाल देते हैं क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है हरा धनिया जितना होना, है ना, आपको अच्छा लगता है बिदांची? यस बड़ा बोलती लड़की है, मुझे बड़ा टेस्टी लगता है। और हमारे पुलाव बन, तो आप मुझे बड़ी बार पूछते हैं कि पहाड़ी धाम कैसे बनती है और कैसे बनाई जाती है, तो इनको बोलते बल्टोई, और ये बन रहे हैं चावल और सारी धाम, और तीन चार बंदे बना रहे हैं, और ये हमारे मामा जी लगते हैं, और वहाँ पे हमारे बड़े मामा जी मेरे लगे हुए हैं सामने, और कड़ी बन रही है उस साइड। क्या बोल रहे हो आप, क्या बोल रहे थे आप? आपने बनाई ये धाम? ये तो मामा बना रहे हैं, मामा बना रहे था चलो ठीक है, ये बन रहा हमारा खट्टा। और दोस्तों हम पहाड़ी दाम की क्या ही बात करें, इतनी टेस्टी होती है, और इसके बगैर शादी ब्याह कोई भी फंक्शन हो वो अधूरा है, और मुझे तो बड़ी पसंद है स्पेशली खट्टा, और मदरा तो सभी खाते होंगे, मदरा बहुत टेस्टी बनता है इधर, मदरा भी शायद बना नहीं है ना, मदरा भी बन गया शायद, कहाँ पे, ये रहा मदरा। आपसे मिलाती हूँ, ये मेरे मामा का लड़का, इस बड़ा ही समझदार लड़का है, इसके बिना अधूरा सब कुछ मामा के घर पे। तू जान रह गई है, पहले बाइक का ही चाबी तो मेरे जाना रहन रहन पोले लगा अभी। तो दोस्तों हमने धाम तो आपने देखा कि धाम बन रही थी, और मैंने वो नहीं खा पाई, मुझे बड़ा बुरा लग रहा, धाम और तनुजा ने मिस कर दी, ऐसा हो नहीं सकता। पर एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ था, कि मुझे, मैंने आपको बताया था शायद ब्लॉग में, पता नहीं पीछे बताया होगा नहीं आएगा, मुझे आई थी कॉल अपनी सिस्टर की, और वो मुझे लेके आ गई सीधा अपने घर पे। तो पहले हम गए थे रहन, तो मैंने शॉपिंग की, थोड़ी सी शॉपिंग की थी, बट उसमें एक बड़ी गड़बड़ होगी, मैं आपको क्या ही बताऊं। मैंने अपने लिए, मेरे को एक्चुअली शादी आ रही है, तो मैंने अपने लिए ली, ये ली चूड़ियाँ ली टाइप गोल्डन कलर में, फर्स्ट टाइम ली है, कभी नहीं डाली, और ये लिए थे इयररिंग, और आप देख सकते हैं कि कितने ब्यूटीफुल से लग रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो बड़े सुंदर हैं। और इसको मैं डालने वाली हूँ लहंगे के साथ डालेंगे, और जो हमारी गड़बड़ हुई है
आईज मेकअप का जो भी सामान है मैंने फर्स्ट टाइम लिया और उसमें भी गड़बड़ होगी। अगर एंटी शॉप वाले एंटी मेरी व्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज एंटी जी आप मुझे कल इसकी जगह दूसरा वाला जो मैंने पसंद किया था वो दे देना। एक्चुअली गड़बड़ ये हुई कि हम गए थे शॉप पे और शॉप पे जो मैंने पसंद किया था उस पर मैंने स्पार्कल वाला आईज मेकअप लिया था क्योंकि उसमें वही अच्छा लगेगा। तो क्या हुआ कि मैंने गलती से ये उठा दिया हड़बड़ी में। इतनी मैं गधी हूं ना, इतनी ज्यादा गधी हूं ना, मेरे को कुछ पता नहीं चलता है। बट आप इयररिंग देखो यार कितने प्यारे लग रहे हैं, जब मैं तैयार होंगी ना तो अच्छे लगेंगे उसके साथ ही। शादी आ रही है, आपको न्यू लुक मिलेगी मेरी। तो दोस्तों ऐसा गया दिन, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। अगर प्लीज ये लेके आ गई हूँ मैं, बस वापस ले लें आंटी वापस, बड़े अच्छे हैं बट ले लेंगे वो। और ये आईज मेकअप गलत आ गया, इसमें कुछ भी नहीं है, दूसरे वाले में इतना कुछ था। और पैसे भी मैं उसके कटवा के आई हूँ, वो थोड़ा महंगा था, ये थोड़ा सस्ते में उठा के ले, या फिर मैं महंगे वाला और उठा के लेके आती तो कुछ और बात होनी थी। पर मैंने ये सस्ते वाला उठा लिया, बड़ा दुख हो रहा है। तो ये थी हमारी आज की शॉपिंग, शॉप में की थी अपने लिए और उसमें भी गड़बड़ी कर दी मैंने। चलो ऐसा ही मेरा दिन गया। और धाम भी नहीं खा पाई, धाम मैं इसलिए नहीं खा पाई क्योंकि मामा घर जाना था मुड़ के मुझे, पर फिर पंगा ये पड़ा कि मैं लेट हो गई थी काफ़ी। और फिर बनाल से पैदल था थोड़ा, मुझे आगे थोड़ा मामा घर में थोड़ा पैदल पड़ता है तो मुझे पैदल जाना पड़ता, तो इसलिए मैं यहाँ से अपनी बहन के साथ आ गई। जबरदस्ती लेके आई मुझे वो अदिति, इधर आना जरा, मैं बताती हूँ। ये मेरे को जबरदस्ती लेके आई, ये जबरदस्ती लेके आई और इसको इतनी जल्दी जाना था, इतना जल्दी जाना था इसको। ये मुझे बोलती कि चल 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 तेरे को सारा सामान आज ही ले लेना है। तो लेना क्या था, मतलब सोचोगे हम गलत सामान ही उठा के ले आए और लेके अगर इतना। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि मुझे बाहर ब्लॉग शूट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब भी मैं बाहर जाती हूँ मुझे बड़ा डर लगता है। और हमने, मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या खाया। मैंने खाया पिज्ज़ा खाया था और हाक्का नूडल खाए थे और बड़ा कुछ खाया हमने। और उनमें से मुझे वैसे कुछ भी पसंद नहीं है क्योंकि मुझे सारा कुछ खराब लगता है, और फिर भी ज़बरदस्ती खा ही लिया मैंने। तो ऐसे दिन गया। और इंस्टाग्राम पे मैं 3 दिन से रील इसलिए नहीं बना पा रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं बना पा रही हूँ। इतना बुरा हाल है। पर इंस्टाग्राम पे एक्चुअली मेरा थोड़ा मन कम ही करता है, जब मेरे पास न्यू ड्रेसेस वगैरह होती हैं तब भी बना पाती हूँ मैं। तो ऐसे ही चल रहा है कुछ। अब आईज मेकअप का देखते हैं कि हमें मिलता है या नहीं, वो कल ही पता लगेगा। तो बाय गाइज, गुड बाय, गुड नाइट, मिलते हैं फिर कल के ब्लॉग के साथ, क्योंकि आपको पता है कि आपकी तनुजा ब्लॉगर बन चुकी है और धीरे धीरे उनको लोग जान भी रहे हैं। आप सभी लोग मुझे इतना प्यार भी कर रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी आप नहीं कर रहे, बाकी आप सब कुछ कर रहे हैं, प्यार भी दे रहे हैं, कमेंट भी अच्छे कर रहे हैं, पर आप तनुजा का चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे क्योंकि आपको पता है कि आपको फेक आईडीज प्रमोट करनी है, आप फेक आईडीज को सब्सक्राइब करते हो। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जबरदस्ती है, जबरदस्ती करती हूँ मैं आप सभी लोगों के साथ। पर आप कर देना गाइस, प्यार से बोल रही हूँ क्योंकि इस टाइम मेरा स्टार्टअप है और मुझे पता स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो ही रिस्पॉन्स मिलता, पर चलो बढ़िया मिल रहा है सभी का, बट मुझे कुछ ज़्यादा नहीं मिल रहा जैसे फेक आईडीज पे मिलता। आपको मैं फिर एक जरूरी बात बताना चाहती हूँ, जो मेरी रियल आईडी, लास्ट में मैं सिर्फ ये ही बोलूंगी, जो मेरी रियल आईडी है वो है तनुजा शर्मा, एंड जो फेक आईडी है फेक तनुजा ठाकुर। आपको उसको अनसब्सक्राइब करके इस चैनल को, जो रियल नहीं उसको आप देख लेना, अपना दूसरे की भी मेहनत लगती है ना, आप देख लेना, बट इसको तो सब्सक्राइब कर दो गाइज, है ना, तरस खाओ मेरे पे, ऐसा बंदी नहीं मिलेगी आपको कभी भी, है ना। तो करिए और मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग पे। आज का दिन तो ऐसे निकल गया और कल का हम बताएंगे आपको। बाय।